श्री श्री अनुकल ठाकुर जी का जो आदर्श था, ये आदर्श का इन्फ्लुएंस हुआ था मेरा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस का, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का माता और पिता थे। नेताजी ने भी विजिट किया था पबना में, उस टाइम यूनाइटेड बंगाल था। उन्होंने पबना में जो पद्मा नदी के किनारे नेताजी ने विजिट किया था श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी को, और उनके साथ काफी बातचीत हुआ था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो आध्यात्मिक गुरु था, जो स्पिरिचुअल गुरु था, वो था स्वामी विवेकानंद। मगर उसके साथ श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी का भी प्रभाव सुभाष चंद्र बोस में पड़ा था। देखिए, इंडिया भारत जो है एक एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी में घर घर में विकास होने से भारत आज का जो परिस्थिति है, 72 साल बीत गया आजादी के बाद, मगर आज भी भारत का विकास जिस तरह होना चाहिए था नहीं हो पाया। हाँ, हम लोग इंडस्ट्री किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मगर डोमेस्टिकली घर घर में बिजनेस हम लोग कर सकते थे, जो अनुकूल ठाकुर जी का जो आदेश था, तब भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। दोपहर को हम लोग सेमिनार में बातचीत करेंगे और डिटेल में, आपका परमिशन लेके हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका आजादी का लड़ाई का एक कुछ इतिहास से कुछ पन्नों हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं इन द आफ्टरनून सेशन, प्लस उनका एक लिंक जो श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी के साथ था, उनका जो आदर्श का ये था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, सिमिलरली श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो नेताजी ने चाहा था, आप नेताजी को किताब पढ़े इंडियन स्ट्रगल, इंडियन पिलग्रिम, उसमें उन्होंने जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन, क्लासलेस सोसाइटी, इक्वालिटी फॉर ऑल, ये उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अनुकूल ठाकुर जी से उन्होंने ये प्रेरणा मिला था। सो टुडे अ मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू द यूथ ऑफ आर नेशन, डिजेनरेशन हुआ है, द मॉरल फैब्रिक ऑफ आवर नेशन इज इन क्वेश्चन, तो आज स्वामी विवेकानंद, श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी का जो आदर्श था, चरित्र गठन करने का आदर्श, देश को आगे ले जाने का जो आदर्श था, ये आदर्श को आज की युवा पीढ़ी को सामने लाना चाहिए, एंड दे मस्ट प्रैक्टिस द आइडियोलॉजी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड अनुकूल ठाकुर जी।